वेलकम फ्रेंड्स आइए हम लोग कुछ एक क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं क्लास एट के लिए वैसे ये क्वेश्चन में आपको क्लास टेंथ में भी काम देंगे हमारा पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टेबल का क्या मतलब होता है जो समाप्त ना हो जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो जिनका आप प्रयोग बार बार कर सकते हो तो इसका एग्जाम्पल क्या है सनलाइट और एयर इनका आप बार बार यूज कर सकते हैं राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टेबल ने जो समाप्त हो जाएंगे जिनको आप दो बार यूज नहीं कर सकते एग्जाम्पल तो क्या है कोल और पेट्रोलियम जितने भी कोई भी फॉसल फूल है वो आप एक बार जलाओगे एक बार आपने यूज कर लिया वो खत्म हो गया क्वेश्चन थ्री है वॉट इज कार्बोनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन बहुत साल पहले की बात है जब धरती पे जो मार्सी लैंड थे वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे और मिलियंस ऑफ ईयर पहले की बात है वो बहुत तरह के नेचुरल फेनोमेना जैसे फ्लड वालकैनिकरप्शन और अर्थक्वेक हाँ इन सारी चीज़ों के वजह से वो ख़त्म हो गए और जमीन में दबते चले गए और उसके ऊपर मिट्टी का लेयर जमता चला गया और जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ा और टेम्परेचर भी बढ़ा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा और बहुत सारे एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो उन्होंने उस पर एक्शन किया और ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन जो स्टेप होता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है कि वो कन्वर्ट होता है पीट में जिसमें आप पीट भी एक कोयला है जैसे कोयला का चार टाइप है आपने पढ़ा होगा बिटुमिनस विटामिनिगनाइट और पीट तो पी जो कोल का फॉर्म है उसमें क्या होता है कि आपको वो ऑर्गेनिक मैटर दिखेगा बाद में प्रोसेस होता है रिफाइन होता है कार्बन कंटेंट बढ़ता है और ये सारा प्रोसेस जो है ऑल टुगेदर ये कहलाता है क्या कार्बोनाइजेशन विच गैसेस प्रोड्यूस व्हेन कोल इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप कोयले को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा कार्बन को आप जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और अगर यह ऑक्सीजन की कमी में जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है क्या होता है जब कोल का हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं यानी उसको हीट करते हैं बिना एयर uh, के एक कंटेनर में डाला और उसमें कोल करके उसको हीट कर रहे हैं हीट करेंगे तो यहां से एक गैस निकलती है वो गैस जो है वो होती है कोल गैस ये एज यूज होता है भट्टियों में फिर यहां पर एक ब्लैक कलर का आपको लिक्विड दिखेगा वो होता है कोल टार और यहां पर जो बचेगा इस बॉक्स के अंदर वो होता है कोल

तो कोल जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं को, और कोल गैस बनाते हैं प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम कोलटार बोलता है, है कोल टार से आप क्या क्या बना सकते हो और वो उसको यूज़ कर सकते हो तो उससे आप सिंथेटिक डाई बना सकते हो दवाइयां बनती हैं एक्सप्लोसिव बनते हैं परफ्यूम बनता है प्लास्टिक बनता है पेंट फोटोग्राफी मटेरियल बनता है और रूफिंग का मटेरियल बनता है इतनी सारी चीजें बनती हैं उससे व्हाट आर द दूस ऑफ कोल गैस कोल गैस जो है वो फूल में यूज कर सकते हो इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो सॉरी व्हाट आर द यूज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स फाइबर्स पॉलिथीन फर्टिलाइजर एंड अदर प्लास्टिक्स फ्यू यूजेस ऑफ कोल कोल का क्या यूज है कोल इज यूज टू कोक फूड अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन पहले स्टीम इंजन होते थे तो उसमें भी यूज करते थे इसको और उससे स्टीम बनाएंगे और उससे ट्रेन चलेगी थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है फिर आपको पूछ रहा है कोल और कोक में अंतर तो कोल जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है कोक जो वो है वो एम्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है इट इज ऑपटेन बाई ऑफ वेजिटेशन विच एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर इगो बहुत पहले जो पेड़ पौधे थे उसके डिके से बने कोक जो है वो हीटिंग सॉफ्ट कोल इन द ऑफ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ़ कोक जो है वो कोल को गर्म करने से बनता है आप जो गर्म करोगे तो उसमें वहां ऑक्सीजन हवा नहीं होनी चाहिए या बहुत लिमिटेड हवा होगी बोलता है एक्सप्लेन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम का रिफाइनिंग को एक्सप्लेन करो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है पेट्रा प्लस ओलियम पेट्रा का मतलब होता है रॉक ओलियम का मतलब होता है ऑयल इट हैज एन अनप्लीजेंट ओडर अच्छी खुशबू नहीं होती है बुरी स्मेल होती है इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिच्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल लिब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स ये सारी चीजें मिलती है इसके रिफाइनिंग से और जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है उसमें यही होता है कि अलग अलग जो सब्सटांसेज मिक्स हैं उनका टेम्परेचर अलग अलग है बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग इट इज कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी और बहुत सारे रिफाइनरीज है आपको पता है कि असम में तेल मिलता है दिग्बोई है गुजरात में मिलता है अंकलेश्वर में इधर नर्मदा बेसिन में मिलने की बात हो रही है फिर बॉम्बे हाई में मिलता है और यहां से पेट्रोल मिलता है तो उसको फिर रिफाइनरीज तक लेकर के आते हैं पाइपलाइन के थ्रू जैसे बिहार में बरौनी में है पेट्रोलियम रिफाइनरी और वहां पर फिर इसका पूरा प्रोसेस करते हैं व्हाट आर द टिप्स गिवन बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन टू पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग बोलता है पीसीआरए ने क्या सजेशन दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम के लिए जब हम लोग एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं तो कैसे बचाओगे क्या करोगे तो ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल आपको बहुत तेज नहीं चलाना है बहुत स्लो में नहीं चलाना है और ए, स्पीड में बार बार क्लच गियर नहीं दबाते रहना है एक स्पीड पे चलाइए स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट प्लेस वेयर वन हैज टू वेट ट्रैफिक लाइट में या ऐसी किसी जगह में जहां आपको वेट करना है तो वहां इंजन को स्विच ऑफ कर दो इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर ये हमेशा चेक करते रहो कि टायर में हवा सही हो होन्श्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल और व्हीकल के बराबर जांच करवानी चाहिए नेम द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एम गिव देर यूजेस तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम फूएल फॉर होम एंड इंडस्ट्री पेट्रोल सॉलमेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग और फूल भी है लाइट व्हीकल के लिए केरोसिन स्टोव में जलाते हैं लैंप में जलाते हैं और जेट एयरक्राफ्ट में भरते हैं डीजल फूएल फॉर है मोटर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लुब्रिकेटिंग ऑयल लिप्रिकेशन में होता है जहाँ कहीं भी मूविंग पार्ट्स है वहाँ डालते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम करें रिड्यूस करें पैराफिन वो वा एक्स ऑइमेंट बनता है मलहम बनता है कैंडल बनता है और बेस्लिन जेली जो आप लगाते हो विंटर में स्किन को बचाने के लिए वो बनता है और विटामिन उससे हम लोग रोड सर्फिसिंग करते हैं वॉट इज द फूअल वाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फूअल तो फूअल जो है वो कोई ऐसा चीज़ है जिसको जलने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा और अच्छे फूल आइडियल फूल का फीचर क्या है कि आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत कम हो वो क्लीन हो उसमें कम कम राख या गैस वो पैदा करे उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका स्टोरेज जो है वो आसान हो इट शुड प्रोड्यूस मोर एनर्जी इन प्रोपोर्शन टू इट्स मास यानी कैलोरफिक वैल्यू हाई हो एंड इट शुड लीव वेरी लिटिल एस आफ्टर बर्निंग और रेसिड्यू बर्निंग के बाद जो है रेसिडी कम से कम पैदा करे तो यही थे सर सारे, सारे क्वेश्चंस थैंक यू